नमस्कार, मैं हूं सबा खान राही और आप देख रहे हैं लुक मीडिया। महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की जनता को संबोधित किया। सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य में जारी लॉकडाउन को 15 दिनों के लिए बढ़ाने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि राज्य में अब 15 जून तक लॉकडाउन रहेगा। जिलों के केस टैली के आधार पर कुछ छूट और प्रतिबंध लागू होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम बस यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राज्य सुरक्षित रहे। कड़क लॉकडाउन नहीं, बल्कि इस बार कड़क नियम किए गए हैं। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र में अभी भी कई जिले ऐसे हैं जहां नियम हल्के में लिए जा रहे हैं और वहां केसेस बढ़ने लगे हैं। शहर से ज़्यादा गाँव में ऐसी स्थिति देखने को मिली। रविवार देर शाम अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं आप सब से एक महीने बाद मिल रहा हूं। पिछली बार 1 मई यानी महाराष्ट्र दिवस पर मिला था। 1 महीने में क्या क्या हुआ और आगे क्या करना है ये बताना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं आप सबको शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 8 से 10 दिन पहले एक तूफान आया था। कई सालों बाद ऐसा तूफान देखने को मिला। पिछले साल भी हमारे यहाँ तूफान आया था। एक तो कोरोना, ऊपर से तूफान, दोनों संभालना मुश्किल है, पर सभी ने अपना काम जिम्मेदारी से किया। उद्धव ठाकरे का कहना है कि मेरी हाल ही में प्रधानमंत्री से बात हुई, इस तरह की घटनाओं की सहायता राशि में बदलाव होने चाहिए। NDRF को अधिक मदद मिलनी चाहिए। लोगों को नुकसान की भरपाई जल्द देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार जरूर और जल्द मदद करेगी। सीएम ने ये भी कहा कि कोरोना में जो हमने घोषणा की उसमें हमने अनाज, शिव भोजन थालियाँ और ऐसी तमाम योजनाओं के तहत लोगों की मदद की है। 55 लाख फ्री शिव भोजन थाली बांटी, फेरी वालों और घरेलू काम करने वाले लोगों की मदद करी। समुद्री किनारों के घर भूकंप से निपटने लायक बनने चाहिए। हमारी योजना से 850 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिलना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, कोरोना के केसेस कम हुए तो क्या लॉकडाउन हटेगा। हम बस यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राज्य सुरक्षित रहे। कड़क लॉकडाउन बल्कि कड़क नियम इस बार किए गए हैं। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र में अभी भी कई जिले ऐसे हैं जहां नियम बहुत हल्के से लिए जा रहे हैं, जिससे केसेस बढ़ने लगे हैं। सीएम ने ये भी कहा कि आंकड़ों की बात करें तो अभी तक हम नीचे नहीं आए हैं। कोरोना में महाराष्ट्र नंबर 1 पर ही है, लेकिन एक राहत की बात यह है कि एक्टिव केसेस पहले से कम हैं, साथ ही ठीक होने वाली की भी संख्या में बढ़ोतरी की गई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पिछली बार का वायरस और अब इस बार का वायरस अलग है। तीसरी लहर में कैसा होगा ये भी कह नहीं सकते। ऑक्सीजन बेड सब बढ़ाए गए हैं। जब ऐसा फोन आ रहे थे कि अस्पताल में कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बचा है, तब बहुत मुश्किल का समय था, लेकिन तब हमने पूरी तैयारी करी और मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करी। और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया 1 मिनट हमारे साथ।